सुरक्षा में कटौती के बाद शिवपाल सिंह यादव की पहली प्रतिक्रिया, बीजेपी पर किया ये बड़ा दावा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ख्याति पुष्कर और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी उपचुनाव के बीच सुरक्षा में कटौती का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव की मंगलवार को सुरक्षा में कटौती का फैसला किया गया, जिसके बाद सियासी बयानबाजी जारी है। अब सुरक्षा में कटौती के बाद शिवपाल सिंह यादव की पहली प्रतिक्रिया आई है। अपनी सुरक्षा में कटौती होने पर विधायक और पीएसपी प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा, बीजेपी से यही उम्मीद थी, अब हमारी सुरक्षा हमारे कार्यकर्ता और जनता करेगी। अब डिंपल यादव की जीत और बीजेपी प्रत्याशी की हार और बड़ी होगी। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, माननीय शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा श्रेणी को कम करना आपत्तिजनक है। साथ ही ये भी कहना है कि पेंडुलम के समय के गतिमान होने का प्रतीक है और वो सबके समय के बदलने का संकेत भी देता है, और ये भी कहता है कि ऐसा कुछ भी स्थिर नहीं है जिस पर अहंकार किया जाए। जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा, शिवपाल सिंह यादव को भतीजे अखिलेश यादव और सपा के अपराधियों खतरा था, अब दोनों में मिलाप हो गया है तो सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा टल गया है, फिर भी उन्हें वाई श्रेणी सुरक्षा उपलब्ध है। यदि उन्हें सुरक्षा की समस्या है तो अवगत कराएं, जांच पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य ने कहा, चुनाव को लेकर बीजेपी को डर है, बदहवासी है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के एक साथ आने से बीजेपी सरकार के द्वारा हथकंडे अपनाए जाएंगे और प्रयोग करेंगे। हम लोगों को पहले ही आभास था, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आपका इस पर क्या विचार है, हमें बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल ट्रिगर न्यूज़। धन्यवाद।